नमस्कार डियर स्टूडेंट, हिंदी की सातवीं कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अभ्यास करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, चित्र के संग संग। यहाँ पे यह जो दिया गया है वह हमारा चित्र पाठ है और यहाँ पे पिक्चर दिया गया है बच्चों। उस पिक्चर के आधार पर हमें उसके जो क्वेश्चन है उसको और उसके आंसर को देने हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है बच्चों, उसमें है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है। यहाँ पे जो पहला पिक्चर है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है उसके बारे में बच्चों आपको लिखना है। तो हम क्या क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं, एक कुरझड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रहे हैं। कुरझड़ी यानी कि जो सब्जियां बेचने वाली होती है वह, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है, आगे है दुकान के डंडे पर तोता बैठा है, सड़क पर एक व्यक्ति है जो आदमी है वह बाइक पर बैठकर जा रहा है, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है और रिक्शे में एक जो मुसाफिर है यात्री है वह बैठा हुआ है, रिक्शे के पीछे दो कारें हैं और सड़क पर एक मोची अपनी सामान के साथ बैठा है और शायद कोई कस्टमर जो ग्राहक होता है उसका इंतज़ार कर रहा है, उसकी राह देख रहा है। अब है बच्चों दूसरा क्वेश्चन, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। उसका आंसर आएगा क्योंकि उनमें गैस भरी हुई होती है, इसकी वजह से गुब्बारे हैं वह हवा में उड़ रहे होते हैं। ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। उसका आंसर आएगा जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर कड़ा बनता है और टायर कड़ा होने पर ही साइकिल है वह ठीक से चलती है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है। उसका आंसर आएगा क्योंकि कुत्ता है वह आराम कर रहा है, इस वजह से वह मुंह लटका कर लेट गया है। आगे है नंबर 5 पे, कुरझड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है। उसका आंसर आएगा कुरझड़ी है जो सब्जी बेचने वाली वह घर घर और गली गली जा सकती है। आगे हमारा लास्ट वाला क्वेश्चन है, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है। उसका आंसर आएगा क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां है वह नहीं मिली होगी शायद, इसकी वजह से वह एक ही यात्री बैठा था। अब आगे है दूसरा पिक्चर बच्चों, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें है चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे आपको जो चित्र है उसको गौर से देखना है ध्यान से और बाद में उसके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन है वह है टायर फटने पर क्या क्या हुआ। उसका आंसर आएगा टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर गया, कुरझड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई, आगे आएगा डंडे पर बैठा तोता है वह उड़ने लगा, बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे, आगे आएगा मोची का सामान है वह इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। कि टायर है उसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो फट सकती है। गुब्बारा है, फुटबॉल आएगा, बास्केटबॉल, तकिया आदि चीज़ें फट सकती है। आगे क्वेश्चन है, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। उसका आंसर आएगा बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। आगे का क्वेश्चन है बच्चों, टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा। उसका आंसर आएगा टायर फटने का जो प्रभाव था वह जो वहाँ पे दुकान थी उस पर नहीं पड़े, जो वहाँ पे सामने पेड़ दिखाई दे रहे उस पर नहीं पड़े थे, इन सब चीज़ों में नहीं पड़े थे। आगे है मोची क्यों रास्ते पर आ गया। उसका आंसर आएगा टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची है
वह रास्ते पर आ गया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 टायर फटाया घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आँख देखी घटना के बारे में बताइए। यहाँ पे आपने कुछ ऐसा देखा हो तो उसके बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। आगे है एक्सरसाइज जो हमारा स्वाध्याय है उसमें है चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पे हमें जो पिक्चर है उसको देखना है और बाद में उसके जो क्वेश्चन आंसर है उसको भी लिखना है। यहाँ पे है रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम बताइए। तो यहाँ पे हमें जो रबर से बनने वाली चीज़ें हैं उसका नाम लिखना है। तो उनमें कौन कौन चीज़ें आएगी रबर से बनने वाली, उसमें आएगी चप्पल है वह बनती है रबर से, टायर बनता है, ऐसी कई सारी जो ट्यूब्स होती है वह बनती है, वह रबर से बन सकती। टायर फटने से पहले क्या हो रहा था, जो टायर है वह फटा उससे पहले क्या हो रहा था, तो यहाँ पे जो टायर है उसके फटने से पहले यहाँ पे आएगा कि जो हवा भरने वाला आदमी है वह वहाँ पे हवा भर रहा था साइकिल में। कुरजड़ी ने सब्जी बेचने जा रही थी। रिक्शे वाला रिक्शा पैसेंजर लेके जा रहा था। तोता है वह वहाँ पे डंडे पर बैठा हुआ था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था और मोची है वह अपना काम कर रहा था। कुत्ता है वह वहाँ पे सो रहा था। टायर क्यों फटा, उसका आंसर आएगा कि टायर पुराना था इसलिए हवा अधिक भर जाने से वह फट गया। आगे है टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ, उसका आंसर आएगा टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुरजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता है वह उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता है वह उठकर भागने लगा। अब देखते हैं आगे बच्चों, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका संलेखन कीजिए। यहाँ पे जो परिच्छेद दिया गया है उसको पढ़ना है और अच्छी राइटिंग में लिखना है। अब एक क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। यहाँ पे आपको गौर से दो पिक्चर देखनी है, बाद में बताना है कि इसमें पहले पिक्चर में और दूसरे पिक्चर में क्या क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंस आपको दिखाई देंगे, वह आपको खुद से खोजना है। ठीक है बच्चों, बाय बाय बच्चों।